DGCA AME Examination Session 1 of 2024। तो आप सभी को पता है कि एडमिट कार्ड आप जनरेट कर सकते हो, वेबसाइट पे एडमिट कार्ड जनरेट करने का ऑप्शन आ गया है। अगर अभी तक आपने जनरेट नहीं किया है एडमिट कार्ड, तो सबसे पहला जो काम है आपको वो करना है, एडमिट कार्ड जनरेट करके डाउनलोड कर लेना है। तो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग मॉड्यूल एग्जाम भरे होंगे, चाहे वो कोई भी मॉड्यूल हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो एविएशन सेक्टर में, चाहे आप कॉलेज में एमी कॉलेज में भी पढ़ाई कर रहे हो। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 3 महीना कुछ भी पढ़ाई नहीं करते हैं, बुक्स भी ओपन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी चाहते हैं लास्ट मोमेंट में कि 5 या 6 दिन में मेरा DGCA एमी एग्ज़ाम निकल जाए। तो आज का वीडियो उनके लिए है कि 5 दिन में आखिर आपको ऐसा क्या सोचना है, क्या करना है, क्या माइंडसेट रखना है कि आप DGCA एमी एग्ज़ाम निकाल लो। और आप अगर रिग्रेट कर रहे हो कि नहीं काश थोड़ा बहुत पढ़ लेता, तो आज का वीडियो आपके लिए है कि इन 4 या 5 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, चांसेस हो एटलीस्ट निकलने का। सो लेट्स मॉन स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट एक्साइटिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो अगर आप पहले से तैयारी नहीं किए हो, आप बुक्स नहीं पढ़े हो, आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, बट अगर अब दिमाग खुला है आपका कि नहीं यार जितना हो गया अब एटलीस्ट थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ताकि मॉड्यूल एग्ज़ाम एटलीस्ट निकल सके। तो गाइस टोटल 5 पॉइंट्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसको आप फॉलो अगर करते हो तो आप DGCA एमी एग्जाम इजीली क्लियर कर सकते हो। सो बात करते हैं अपने सबसे पहला पॉइंट की ओर। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डोंट गेट पैनिक। तो अगर आप मेन पॉइंट पे यानी कि 4 या 5 दिन पहले अगर आप पैनिक होंगे, अगर आप पेश हो जाएंगे कि अरे यार मैंने तैयारी नहीं किया है, कैसे मैं DGCA एमी एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, अब क्या होगा मेरा, मैंने फॉर्म भी भर दिया है, अगर 2 फॉर्म भरे हो तो आपको पता है कि 3000 मनी भी देना पड़ा है, अगर 1 भरे हो तो 1500 देना पड़ा है। आप में से बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं मेन पॉइंट पे आकर, और जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाता है पहले तो वेट करते हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा। जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाता है, एग्ज़ाम का डेट मालूम चल जाता है, उसके बाद तो लगता है यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो इम्पॉसिबल है, अब तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो अगर आप ये सोचते हो तो आप बिल्कुल सही सोचते हो, बिकॉज आप रियली में पढ़ नहीं पाएंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर आप इतना दिन में अभी तक क्लियर नहीं कर पाए तो अब क्लियर नहीं कर पाओगे कॉन्सेप्ट्स, तो आपको उसके बारे में सोचना भी नहीं है कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से देखना है। अब बात करते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे। तो जो सेकेंड पॉइंट है वो है डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको पता है कि मेरा अभी से 4 या 5 दिन बाद एग्ज़ाम है, आपको पता है कि मेरा तैयारी नहीं हुआ है, मेरा कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो फिर भी आप टाइम पास करते हो, आप फ्रेंड्स के साथ इधर उधर घूमते हो, टाइम पास करते हो, वो अभी से आप बंद कर दो। आप दोस्त पे ट्रस्ट करते हो, चलो ठीक है 1-2 पे करना सही है, लेकिन आप अगर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो तो आप जान लो कि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको दिखाते तो नहीं है, लेकिन वो भी चाहते हैं कहीं ना कहीं आप टाइम पास करो, बिकॉज उनका तो मॉड्यूल क्लियर हो चुका होता है, आप टाइम पास करो, तो ये करना आप बंद कर दो। पॉइंट अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इन लास्ट 5 to 6 days में मॉड्यूल एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो। ज्वाइन एनी व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल दैट यू आर गिविंग। फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए जो आप मॉड्यूल दे रहे हो। तो मैं आपको पहले ही बोला, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस सेशन क्वेश्चंस पे फोकस करना है। अगर आपको उसमें कुछ लगता है कि ऑप्शन में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज ड्रॉप करके जो आपके फ्रेंड्स हैं जो वो सेम मॉड्यूल दे रहे हैं उनसे आप क्लियर कर सकते हो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट डिस्कस कॉन्सेप्ट्स। जी हाँ, आपको कॉन्सेप्ट किसी से भी डिस्कस नहीं करना है, बिकॉज उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, उससे सिर्फ और सिर्फ आपको कन्फ्यूज़न ही क्रिएट होगा। देखो ये फैक्ट है, एक तो आप पढ़ाई नहीं किए हो, और ऊपर से अगर आप कॉन्सेप्ट डिस्कस करोगे दूसरे से, तो इसमें आपका ही टाइम वेस्ट होगा ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत पढ़ा हूँ। ये गलत है। आप खुद को समझो पहले कि हाँ मुझे, मैं इतने अच्छे से नहीं पढ़ा हूँ, तो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो कॉन्सेप्ट डिस्कस करके आप महान नहीं बन जाओगे, तो ये आप अपने साथ चीट करोगे। ये करना बंद कर दो, आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करो। आपको ये सोचना है कि चलो ठीक है यार बुक्स तो नहीं पढ़ा, लेकिन लास्ट मिनट जितना पॉसिबल हो सकता है उतना क्वेश्चंस तो एटलीस्ट पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, जो कि एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड है। एग्ज़ाम में आप बैठ गए, उस टाइम पे आपको क्या सोचना है, क्या करना है, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए।
देखो इतना तो आपको पता है कि आप बुक्स पढ़ के नहीं गए हो, तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस देख के गए हो। तो क्या होगा अगर जो क्वेश्चंस आप नहीं पढ़े हो वो क्वेश्चन अगर आ जाए एग्ज़ाम सेंटर में? तो देखो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले इधर उधर लोग बात करते हैं, स्पेशली जो बगल में बैठे हुए हैं उनसे डिस्कस करते हैं कि आप कहाँ से हो क्या हो। तो कोशिश करो उनसे अच्छे से बात करने के लिए, अगर आपको ये मालूम चल जाए कि वो बंदा सही है, वो बंदा जेन्युइन है, अगर आपको उस पर ट्रस्ट हो गया कि नहीं, बातचीत करने से ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ ये पढ़ के आया है या पढ़ के नहीं आया। तो अगर वो पढ़ के आया है तो कुछ यूनिक क्वेश्चंस के लिए जो आप नहीं पढ़ पाए हो उसके लिए आप ट्रस्ट कर सकते हो। होता ही है थोड़ा बहुत एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होता ही है ना, तो थोड़ा बहुत आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि नहीं मैं नहीं भी पढ़ा हूँ फिर भी ये सही है, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ के आया है, बुक से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सही हो सकता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्प करे, आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, आज का ये वीडियो मोटिवेट किया हो। अगर आप चाहते हो इसी तरह से रेगुलर एविएशन रिलेटेड कॉन्टेंट देखना तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो देखते हो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कोई क्वेश्चन हो कोई डाउट हो तो आप मुझे सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कुछ भी आपको कमेंट करना है, चाहे इमोजी भेजना है, चाहे हाय कमेंट करना है, चाहे कुछ भी कमेंट करना है, आपको कमेंट करना ही है और लाइक भी ज़रूर करना है। और अगर आप चाहते हो कि कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ना पूछ के सेपरेटली क्वेश्चन पूछना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का आईडी है यहाँ पर, मैं इंस्टाग्राम का लिंक है डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो एंड कोई भी क्वेश्चन वो आप मुझे पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में एक और धमाकेदार कंटेंट के साथ। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू डबल, प्लीज डोंट ट्रबल एनी बॉडी। सी यू।